दोनों गाड़ियों में मतलब साइजेस में अच्छा खासा डिफरेंस। सनरूफ आता है, ये एलएन के टॉप एंड वेरिएंट है। गाड़ी बहुत कम लोग ज्यादा मेंटेन रखते हैं, जैसे ही यार मौसम चेंज होगा। और इसका माइलेज अगर कंपनी में देखा जाए, वेलकम बैक टू द हाईवे गॉड। सो राइट नाउ हमारे सामने खड़ी है इसकी बड़ी बहन, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था। तो करंटली ये गाड़ी सामने खड़ी है, दिस इज अ टाइप 1 लॉरा। एक्चुअली ये लॉरा डिक्की पे लिख के आता है, इसके आरसी कार्ड पे ऑक्टाविया ही लिख के आता है। दिस इज द अनदर ऑक्टाविया। ये गाड़ी फुल्ली लोडेड है फीचर्स के साथ। ऐसा है ना, इसका इंजन में ज्यादा फर्क नहीं है एंड सस्पेंशन में भी ज्यादा फर्क नहीं है। इतना ही है कि बस इसके इंजन में थोड़ी सी ज्यादा टॉर्क और ज्यादा पावर है, इसमें थोड़ी सी कम है, बट वो महसूस भी नहीं होगी क्योंकि टॉप स्पीड 192-188 ऐसा है इसका। एंड व्हील इसके कंपनी से 15 के आते हैं एंड ये 16 के आते हैं, मैंने भी 16 के अपडेट कराए हैं। एंड ये गाड़ी टोटली लोडेड, मतलब देखो आप, इस पर फोग लैम्प्स भी मतलब कंपनी से आते हैं, इस पर फोग लैम्प नहीं आते हैं, हेडलाइट में प्रोजेक्टर आता है। एंड इसका बोनट ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, बस थोड़ा सा शेप इसका राउंडेड है। इसके बाद जो टाइप 2 लॉरा आई है ना, उसके हेडलाइट्स चेंज है और उसके सामने की ग्रिल्स भी थोड़ी बहुत चेंज है, और टायर्स का साइज भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अब बात करेंगे दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में। तो बोनट खुल चुका है दोनों गाड़ियों का। एंड इस गाड़ी के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसका डैश कवर फोक्सवैगन के साथ डैश कवर आया है। एंड अपनी गाड़ी पे स्कोडा का डैश कवर थोड़ा अलग है डिजाइन। एंड इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो 110 bhp अपनी गाड़ी पे 210 न्यूटन मीटर टॉर्क है और इसमें 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो ये गाड़ी थोड़ा ज़्यादा खींच सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाविया MK1। और अगर दूसरी बात करें तो 4 सिलेंडर, 2 वॉल पर सिलेंडर, टॉप स्पीड 192 और इसकी टॉप स्पीड 188 और इसका माइलेज अगर कंपनी में देखा जाए तो 17 बोलते हैं, लेकिन माइलेज ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियां सेम ही देती है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी डायरेक्ट इंजेक्शन TDI, ऑटोमेटिक भी आती है, ये मैनुअल भी आती है। एंड एक्चुअली वो गाड़ी आपको 90% मैनुअली देखने मिलेगी और ये गाड़ी आपको 50% मैनुअली और 50% ऑटोमेटिक ऐसे देखने में मिलेंगी। और दोनों गाड़ियां मैंने चलाई है, ऑटोमेटिक भी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त करती है और मैनुअल तो पूछो ही मत, दोनों ट्रांसमिशन पे माइलेज बहुत अच्छा देती है। बट संभालना इसको इससे ज़्यादा डिफिकल्ट है, इससे ज़्यादा मेंटेनेंस है। फीचर्स लोडेड है तो भाई ये तो झेलना ही पड़ेगा। जितना फीचर लोडेड गाड़ी होगी उतना मतलब सेंसर्स इशू, बाकी बहुत सारे इश्यूज आते हैं इसमें, और इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मतलब एज़ कम्पेयर टू Mk1। ऐसा है ना कि बहुत से लोगों को ये गाड़ियाँ सताती है और बहुत से लोगों का साथ देती है। जैसे एक बंदे ने 30,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी ली थी तो उन्होंने 2.5 लाख चला दिए, ब्याथर्व नाम है उनका। एंड एक बंदे ने भाई बहुत कम चला के इतना खर्चा किया ना कि पूछो मत। तो कुछ ऐसा सीन है इसका, भले मतलब आप जब लेते हो तभी अच्छी गाड़ी मिली तो ही ठीक है, अगर नहीं मिली ना तो ये गाड़ी सताती ही रहेगी। कंडीशन गाड़ी देख कर लिया करें इसलिए, ये गाड़ियाँ पुरानी बहुत ज़्यादा चेक करा के लिया करें, वरना इसका मेंटेनेंस बहुत सताएगा आपको एज़ कम्पेयर टू Mk1। थर्ड चीज़ अगर हम देखें गाड़ी के साइजेस की, तो दोनों गाड़ियों में मतलब साइजेस में अच्छा खासा डिफरेंस नहीं है, 50 mm का डिफरेंस है लेंथ में। अगर इसकी हम लेंथ देखें तो 4572 है और इसकी 4507 है, और इसकी विड्थ अगर हम देखें तो ये 1769 है और ये 1731 है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात अगर हम करें तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 134 है mm, ये सब mm में है, और ये 164 है, मतलब 50 mm के आसपास में दोनों चीज़ें कंपेयर हो सकती है, मतलब उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। और दोनों गाड़ियों का वेट अगर कंपेयर करें, ये गाड़ी ऑलमोस्ट भाई 2 टन की जा रही है एंड ये अपनी गाड़ी 1800 का इसका वेट आ रहा है। इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके सस्पेंशन यार उतना हैवी नहीं है, टॉर्जन बार एंड स्टेबलाइजर बार इसका बहुत ज़्यादा हैवी है वो सारा चीज़। और अगर बूट स्पेस की हम बात करें तो ऑलमोस्ट बूट स्पेस सेम है, मतलब ऐसा डिफरेंस नहीं है बूट स्पेस में। यार इसमें चेंजेस, अगर मेजर चेंजेस अगर हम देखें तो ये गाड़ी इंटीरियर में बहुत ख़तरनाक चेंजेस है इसके, काफ़ी ज़्यादा मतलब फीचर लोडेड गाड़ी है ये, मुझे तो काफ़ी पसंद आती है लॉरा। लेकिन मेरा टेस्ट अलग है, आई एम नॉट अ लग्जरी पर्सन, मुझे मतलब गाड़ियाँ ना रॉ पसंद है, जैसे अपनी ऑक्टाविया है। एंड ये गाड़ी एक्चुअली ना थोड़ा मतलब ऑफिसर लेवल की गाड़ी है, एंड ये भाई मल्टीटास्क गाड़ी है, ये आप कहीं पे भी ट्रैवल या फिर वो, और ये माफिया स्पेक में आती है एंड ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग स्पेक में आती है, एज ए लग्जरी रेप्यूटेड है। ये LNK मतलब टॉप एंड वेरियंट है, पता नहीं इन्होंने इसके एलॉयज़ क्यों चेंज किए, क्योंकि कंपनी से जो एलॉयज़ आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं। एंड अगर टायर साइज़ की हम बात करें तो इसका टायर साइज़ है 225/55/16, एक्चुअल में 225/55/16 नहीं आता, ये आफ्टर मार्केट डाला गया है, 205/55/16 आता है इसका कंपनी से। और इसका कंपनी से टायर आता है 195/65/R15 और हमने इसको अपडेट किया है 205/60/16 के साथ। तो कुछ ऐसा सीन है इसका साइजेस को लेकर, 50 से 60 mm का फ़र्क है हर चीज़ में, लेंथ विड्थ हाइट
टोटली 50 से 60 mm का फर्क है, उससे ज़्यादा नहीं है। व्हील 1 inch उसका ज़्यादा है, हमने अपडेट कराया है तो इसका भी 1 inch ज़्यादा हो गया है। एंड ये गाड़ियाँ जो यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने मेंटेन की है, वो लकी हैं, मतलब अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। लेकिन जिनको अच्छी ओनर से गाड़ियाँ नहीं मिली या फिर थोड़ी रफ़ गाड़ियाँ मिली है, वो भाई इसका मेंटेनेंस एज़ कम्पेयर टू मार्क 1 बहुत ख़तरनाक मेंटेनेंस आता है इसका। तो अब जाते हैं इंटीरियर में, दोनों गाड़ियों का इंटीरियर। इसका तो आप देख चुके होंगे, इसको तो हमने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट किया है, इसको रिस्टोर किया। गाड़ी बहुत कम लोग ज़्यादा मेंटेन रखते हैं, रफ़ एंड टफ़ कंडीशन में ही दिखेगी, और मतलब ऑलमोस्ट गैरेजेस में ज़्यादा, इससे ज़्यादा ये गाड़ी दिखती है। और ये गाड़ी मतलब ठीक है, उतना गैरेजेस में नहीं जाती है, और इतना भी मतलब रफ़ नहीं रखते लोग, इसको थोड़ा मेंटेन करते हैं, और इसको मेंटेन करने वाले बहुत कम है, जो कर रहे हैं ना सैल्यूट है उनको। बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में यार मैं इसको छुपाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये गाड़ियाँ ना इतनी पुरानी हो चुकी है, तो ये थोड़ा बहुत होता रहता है भाई, ऑलमोस्ट सबकी गाड़ियों में है। जिसकी गाड़ियों का स्टीयरिंग अच्छा है, आप लकी हो, आपका स्टीयरिंग अच्छा है। एंड इसकी इंटीरियर की बात करें तो क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी है, एंड ये गाड़ी ऑटो है। तो मैंने बोला ना कि 50% आपको ये गाड़ी ऑटो दिख जाएगी और 50% मैनुअल, जैसे कि आपको ऑक्टाविया 90% मैनुअल दिख जाएगी, तो ये गाड़ी वैसी नहीं है, ये ऑटो है। एंड ऑटो में भी माइलेज अच्छा देती है, सॉफ्ट गियर चलते हैं, बट एक्चुअली स्कोडा ऑटो अवॉइड किया करें, मतलब गाड़ी नहीं स्कोडा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवॉइड किया करें, क्योंकि ये गाड़ियाँ रिकॉल की गई थी फॉरन में, इंडिया में तो इनका कुछ है नहीं, तब था नहीं, ठीक है, ये DSG का, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर रिकॉल नहीं की, और बहुत सारे लोग फंस गए थे इसमें ट्रांसमिशन के चक्कर में। थोड़ा बहुत अवॉइड करें ये गाड़ी, अगर आप ले रहे हो तो ऑटोमेटिक ना ले। और इसका स्कोडा का कंपनी का ऑडियो सिस्टम आता है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आती है, जैसे यहाँ पे ये सारे स्टोरेज है, एंड सनरूफ, ठीक है, इसमें सनरूफ आता है। ये एलन के टॉप एंड वेरिएंट है, लाइट्स का सेम अपने ऑक्टाविया जैसा आता है। एंड उसके बाद यहाँ पर सारे पावर विंडो कंट्रोल्स, गाड़ी थोड़ी कंडीशन रफ है, और ये सेम अपना ऑक्टाविया, ठीक है, ये सारा मतलब ये ऑक्टाविया टाइप 2 है, मतलब आप समझ ही होगे, तो ये सारी चीज़ें आपको सेम दिख जाएगी लॉरा में भी। इतना ही है कि बस इसमें लग्जरी ज़्यादा है, ये सीट्स कंपनी से आते हैं, सीट्स में एडजस्टेबल देखो इसका कितना है, ठीक है, ये सारा देखो अभी ऑपरेट हो भी रहा है। वाओ, ये मतलब सारा ऑपरेट है। तो ये चीज़ें हैं इसमें कि सारी चीज़ें आपको ऑटो एडजस्टेबल मिल जाती है। अब ये ऑक्टाविया के एलएन के में भी मिल जाती है ना, जैसा इसमें परफेक्शन दिया गया है ना, उसमें नहीं मिलता है। ये सेट भी कर सकते हैं हम लोग, 1, 2, 3 सीट एडजस्टेबल सेट हो जाती है। एंड उसके बाद पीछे की बात करें तो कंफर्टेबल थोड़ा ज़्यादा है। मैंने जैसे आपको साइजेस के बारे में बताया कि 50-60 mm साइजेस प्लस है, जैसे उस गाड़ी की हाइट लेंथ विड्थ में 50-60 mm प्लस है, वैसे ही हेडरूम लेगरूम सारी चीज़ें इसकी अपनी ऑक्टाविया से प्लस है। लेगरूम भी भाई थोड़ा सा हल्का बड़ा है, रियर एसी है इसमें, ठीक है, रियर में एसी है भाई, क्या ही ज़बरदस्त चीज़ है। और पीछे ये देखो, और क्या ही चाहिए भाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसकी भी मतलब ऑक्टाविया जैसी है, लेकिन जितना हम लोग इसकी लग्जरी देख रहे हैं ना, उतना इसका मेंटेनेंस भी हाइयर है। एंड उसके बाद अगर बाहर जाए तो बाहर से भी ये क्या ही सुंदर लगता है इसका इंटीरियर। एंड ये सारा कंपनी से इंटीरियर आया है, ये किसी ने मतलब ये किया हुआ इंटीरियर नहीं है, ये कंपनी का है। स्टीयरिंग बड़ा प्यारा है, एंड क्रूज कंट्रोल है। अगर स्पीडोमीटर की हम बात करें तो काफ़ी स्पीडोमीटर इसका मतलब यूनिक एंड प्रिसाइज है। ओके, सो मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसकी अगर चाबी ऑन करेंगे ना हम, तो देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें शो होती है। ये जो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, तो इसको एक्चुअल में स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी फॉल्ट है ना, सारे यहीं पर शो होते हैं। देखो अब सारे फॉल्ट इधर ही शो होते हैं, देखो फ्रंट लेफ्ट टर्न सिग्नल डिफेक्टिव। ये जस्ट इसका अपडेट वर्जन है, ये 2006 की गाड़ी है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि भाई 2010, 12, 13, 14 की गाड़ी है, 2006 की गाड़ी है। इसमें ये सारे फीचर्स हैं, एंड इसमें ये सारा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें शो होती है। बस एयरबैग के यार बुरा लग रहा है, मैं ऐसे ही हाथ रखता हूँ एयरबैग पे, यहीं से मतलब ऑल मैकेनिक यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये रनिंग कितनी हुई है, 1,90,000, सही है यार। इंजन अभी भी एकदम सॉफ्ट है इसका, जैसे अब मैं रेस भी करूँ तो स्टेबिलिटी है इसमें, कंडीशन है गाड़ी इंजन रिलेटेड। और ऑटो रहने से ना थोड़ा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यार, मैनुअल जो भाई खाट 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 गियर डालने में मज़ा आता है ना, वो ऑटो में नहीं आता है, बात तो सही है। और जो मैनुअल लोग हैं वो ऑटो को कभी पसंद नहीं करेंगे, आई एम श्योर। स्टेयरिंग में भी पूरे सारे कंट्रोल्स है इसके, वॉल्यूम अप डाउन कॉल बिल सब हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं, ला सकते हैं, डाल सकते हैं। एंड इसमें इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप तो अपने भी गाड़ी में आता है, सारी डिजिटल चीज़ें, मतलब जो टैकोमीटर होता है और उसके बाद डिजिटल क्लॉक, ठीक है, अपनी गाड़ी में नहीं क्या है, मतलब सिर्फ लेदर सीट्स कंपनी से नहीं आते, हमें करवाना पड़ता है, बाकी इसमें सारी चीज़ें कंपनी से आती है।
ओके, सो फाइनल वर्डिंग्स की मैं बात करूं मार्क वन और मार्क टू की, तो इसमें सारे मोटा मोटी हमने चेक किए, सारे जितने भी हमने मतलब देखी चीजें, भाई गाड़ी में इतने फीचर्स लोडेड है ना, थोड़ी बहुत चीजें छूट गई होगी मेरी, और जो गाड़ियां ये यूज कर रहे हैं उनको पता है कि और भाई क्या क्या चीजें इसमें है गाड़ी में। हाँ, एक और चीज इसकी मैं बताना चाहता हूँ कि इसके जो फ्रंट डिस्क आते हैं वो वेंटेड डिस्क आते हैं, मतलब सॉलिड और वो होता है, और इसका रियर में भी डिस्क है जैसे कि अपनी गाड़ी में ड्रम है, ठीक है, तो इसमें रियर डिस्क है। और ये गंदा इसलिए हुआ है क्योंकि 3 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मैंने व्हील्स बस क्लीन नहीं किए, बाकी पूरी गाड़ी क्लीन है अपनी। व्हील्स भी मैंने क्लीन किए थे, वो वापस अब भी फिलहाल गंदे हो गए। और ये डिस्क का फ़र्क है दोनों में कि भाई सामने का इसका डिस्क सॉलिड है एंड पीछे का थोड़ा सा हल्का है, एंड ये गाड़ी थोड़ा सा धुआं मार रही है। इंजन देखो यार इसका, एज़ कम्पेयर टू मार्क वन, मार्क टू का इंजन काफ़ी साइलेंट एंड सॉफ्ट है, लेकिन भाई आवाज़ ज़्यादा आता है, मेंटेनेंस कम आता है, आवाज़ कम आता है, मेंटेनेंस ज़्यादा आता है, ये फ़र्क है इसमें। सो आई होप आपको मोटा मोटी समझ आया होगा दोनों गाड़ियों के बारे में। और अपनी गाड़ी देखो क्या ही सुंदर लग रही है रिस्टोर करने के बाद में, लोग भी रिस्टोर करने लगे हैं गाड़ियाँ, और अच्छा लगा मुझे दोनों गाड़ियों के बारे में जान करके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और अगली वीडियो इससे अमेजिंग रहने वाली है, कुछ और नई चीज़ लाने की, इसके बाद वाला जो मॉडल है वो लाने की मैं कोशिश करूँगा, जैसे ही यार मौसम चेंज होगा। लाइक अभी भी गर्मी है, बस 2-3 दिन से ये बिन मौसम बरसात हो रही है, तो जैसे ही मौसम चेंज हो जाएगा ना तो हम लोग थोड़ा सा ट्रैवल पे ध्यान देंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे है, प्लान में है, जल्दी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।